को आपको अदा करना पड़ेगा। आपके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारे परेशानियां आएगा। इस सारी समस्या को, परेशानियों को झेलते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई समस्या आ जाए डिएक्शन के माध्यम से, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो बबलू सर है या उससे जो भी सर है, आप यहाँ ऑफिस में आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप में वो क्षमता है, वो हिम्मत है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। आप में वो जिज्ञासा होना चाहिए। तो डिएक्शन आपको यहाँ से, आपका जो सपना है, पहले अपने अपने टारगेट को बनाइए। अभी सर ये प्रोग्राम जो है टारगेट वाला कार्यक्रम है, कि कुछ टारगेट लीजिए। जैसे हमने भी टारगेट लिए, तो यहाँ पर जो नए व्यक्ति है, जो एक महीना दो महीना से इसका उपयोग किए हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आकर आप परिचय दे सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा अनुभव बता सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्टार बन गए हैं, तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, अपना टारगेट लेना पड़ेगा। जब तक आप टारगेट नहीं लीजिएगा, तब तक आपका एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जिंदगी ही है क्या है, टारगेट का जिंदगी है। अगर जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, तो आपका जिंदगी जिंदगी विहीन है। इसलिए अगर चाहते हैं कि डिएक्शन से कुछ हासिल करें, आपका जो सपना अधूरा हो गया है, मर गया है, उस सपना को अगर चाहते हैं कि हम जिंदा करें, मेरा सपना जिंदा हो जाए, आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाए, तो डिएक्शन को आपको तन मन धन हृदय से और विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि डिएक्शन एक परिवार है, सभी के सहयोग से ये चलता है। तो इसीलिए कभी कोई किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से इस सिस्टम को करना है, आगे बढ़ना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। जब तक नहीं सीखिएगा, तब तक आप किसी को बता नहीं सकते हैं। और सीखने के लिए क्या है भैया, इसमें सीखने के लिए कुछ भी कहिएगा कि भारी चीज है, वो नहीं है। सब आदमी जानते हैं ना ऋषि गैनोटी के बारे में, कि ये क्या क्या करता है। बसरते है क्या कि सभी के अंदर में डर है, इस डर को निकालना पड़ेगा। तो जो इंसान अपने जीवन से तीन चीज को निकाल दीजिएगा, तो अपने लाइफ में क्या हो जाइएगा, सक्सेस हो जाएगा। पहला चीज है आपको ईगो, जिसको घमंड है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो ये हैं वो हैं, हम कैसे चाय के बारे में किसी को बताएंगे, ये आपका घमंड है, अहम है। इस घमंड को, ईगो को अपने अंदर से निकाल दीजिए, तो देखिएगा आपका ये कदम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया डाउट। ये डाउट मीन शंका होता है, शंका एक ऐसा चीज है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे आप किसी को बताने के लिए जाइएगा कोई प्रोडक्ट, तो आपके मन में शंका है कि हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, होगा हमसे कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये डाउट आपका अगर क्लियर हो जाएगा, तो आप कलेक्टर को भी इस प्लान के बारे में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो आप अपने अंदर से डाउट को, शंका को निकाल दीजिए। और तीसरा है सेम, यानी जिसको हम आप कहते हैं शर्म। अगर शर्म आपके अंदर से निकल गया, तो आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में, डिएक्शन के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस शर्म को निकालिए, डाउट को क्लियर कीजिए, और अपने अंदर से घमंड को क्या करना है, बाहर निकाल दीजिए। अगर ये तीनों चीज़ किसी के अंदर में है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। अगर ये धीरे धीरे आप इसको निकाल दीजिए, तो उस दिन आपको कामयाबी से कोई भी रोक नहीं सकता है। समझ गए सर? तो इसलिए डिएक्शन आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, इसको समझिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन जो बृहस्पति बार का समय है, उस दिन आकर यहाँ आप सीखिए कि यहाँ से कैसे इनकम आता है, डिएक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। इस सिस्टम को समझना है, और इस सिस्टम को समझ लिए, तो आप कहीं पर भी डिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिएक्शन को जन जन तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। कोई इंसान कहता है कि मेरा उम्र आएगा तो बताएंगे। भैया कब आएगा उम्र? जब इंसान जन्म लेता है, तो अभी 80 वर्ष तक क्या होता है, लोग जीता है। बताइए आज जो आप जन्म लिए, तो आपका उम्र बढ़ा कि घटा? एक दिन आपका क्या हो रहा है, 80 वर्ष में से एक एक दिन घट रहा है। लेकिन इंसान का सोच है मेरा उम्र क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है भैया, आपका उम्र बढ़ नहीं रहा, जिस दिन आप जन्म लिए उस दिन से आपका एक एक दिन घट रहा है 80 वर्ष में से। तो इस 80 वर्ष को कैसे हम अच्छा तरीका से जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे, इसके लिए आपको डिएक्शन मिला है। इस डिएक्शन को धैर्य पूर्वक ध्यान से इसका शिक्षा लीजिए और इसके प्रोडक्ट के बारे में जन जन तक बताने का काम कीजिए। बताते 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 एक दिन आप कहाँ पहुँच जाइएगा, कोरोना मास्टर के जगह पर पहुँच जाइएगा। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।